नमस्कार किसान बंधुओं, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विजू बाबा इन्फोटेक पर। मैं आपका किसान सेवक विजय धाकड़ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विजू बाबा इन्फोटेक पर स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, 6 सितंबर से फसल बीमा की राशि किसानों तक पहुँचने वाली है और उसके लिए थोड़े से कमेंट हमें मिले हैं कि किसानों को कहीं ना कहीं अभी भी कुछ मामला क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए आज का ये वीडियो मैंने बनाया है, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपके भी बहुत से डाउट है जो इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। और उसी के साथ किसान भाइयों, मैं आपके लिए लाता रहता हूँ मंडी भाव और तेजी मंदी रिपोर्ट के बारे में वीडियो में आपके बीच में लाता रहता हूँ। तो किसान भाइयों, मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो सारे विचार हैं यह मेरे निजी विचार हैं और मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो तथ्यों के आधार पर, मेरे निजी विचार के आधार पर बनाता हूँ। अतः आप कोई भी निर्णय लेवे, अपनी फसल को बेचने संबंधित कोई भी निर्णय लेवे तो आप अपने विवेक पर निर्णय लेवे, क्योंकि किसान भाइयों, मैं सिर्फ आपको जानकारी दे सकता हूँ, मैं यह नहीं बता सकता श्योरली कि इस दिन इतना भाव आएगा, इस दिन इतना नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट के बारे में सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, कन्फर्म बातें नहीं बोली जाती। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। और अब हम बात करते हैं फसल बीमा के बारे में। हमारे बहुत से किसानों की जो है डिमांड है कि हमें यह बताइए कि पिछले जब 3000 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए गए थे तो उसके अंतर्गत हमें किस बीमा का लाभ मिला है और अब 4500 करोड़ के अंतर्गत हमें कौन से बीमा का लाभ मिलने वाला है। तो किसान भाइयों, जब मुख्यमंत्री जी ने मई के माह में 3000 करोड़ रुपये फसल बीमा के अंतर्गत ट्रांसफ़र किए गए थे तो उसके अंतर्गत 2017 रबी खरीफ व 2018 खरीफ सीजन के फसल बीमा को शामिल किया गया था। जी हाँ दोस्तों, 3000 करोड़ के अंतर्गत हमें 2017 जो सेशन था अपना उसमें रबी खरीफ वह 2018 खरीफ सीजन को शामिल किया गया था। उसके अंतर्गत तो किसान भाइयों, बहुत से किसानों को फसल बीमा का लाभ मिला और बहुत से किसान इस योजना से वंचित हो गए। उसके पीछे बहुत से कारण हैं, मैंने पहले भी वीडियो बनाए थे, करीबन मई से जून में मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो आप उन वीडियो को जरूर देखिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। वहीं किसान भाइयों, बहुत से किसान भाइयों का कमेंट आया कि सर हम डिफाल्टर हो गए हैं और हमने पिछले 1.5 साल से जो है बैंक का ब्याज नहीं चुकाया है तो क्या हमें फसल बीमा का लाभ मिलेगा। तो किसान भाइयों, मैं उन किसान भाइयों के लिए कहना चाहूँगा कि डिफाल्टर होना एक अलग बात है और फसल बीमा मिलना एक अलग बात है। यदि आपने फसल बीमा करवाया है तो आपको फसल बीमा का लाभ तो जरूर मिलेगा, लेकिन आपके सेविंग जो अकाउंट है उसमें जो है कहीं ना कहीं हमें राशि नहीं मिलेगी। उसका कारण यह है कि बैंकों का रोटेशन के लिए बैंक ब्याज जमा करेगा सबसे पहले, और यदि उसके ऊपर अगर आपका पैसा बनता हो तो आपके सेविंग अकाउंट में जमा किया जाएगा। वहीं दोस्तों, 2019 तक जो डिफाल्टर केसीसी थी उनको बीमा राशि मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी हमारे किसान भाइयों का डाउट है। तो किसान भाइयों, वही बात हो गई है, उनको भी बीमा का जो है लाभ मिलेगा और 6 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में उनके पास बीमा राशि पहुंचने के पूरे पूरे चांसेस हमें लग रहे हैं। वहीं किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों ने अभी बीमा करवाया था 2019 का पिछले साल, तो उनका भी डाउट है कि अभी 2018 का डलेगा बीमा या 2019 का डलेगा। तो किसान भाइयों, मैं फाइनली आपको बता देता हूँ कि जो 4500 करोड़ रुपये हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी जो अनाउंस किया है तो उसके अंतर्गत खरीफ सीजन 2019 का बीमा राशि किसानों के खाते तक पहुंचेगी। अब उसके अंतर्गत आप उड़द ले लो, उसके अंतर्गत आप मक्का ले लो, उसके अंतर्गत आप सोयाबीन ले लो, और उसके अंतर्गत खरीफ सीजन की सारी फसलों को इंक्लूड किया गया है। तो 4500 करोड़ के अंतर्गत हमें खरीफ 2019 का फसल बीमा मिलने वाला है। वहीं दोस्तों, इसके साथ एक और डाउट हमारे किसान भाइयों का मैंने देखा है कि अभी कुछ दिनों पहले भी बीमा राशि किसानों के पास पहुँची है, तो कि वह बीमा राशि अगर हमें मिली है तो क्या अब 6 सितंबर के बाद भी हमें बीमा राशि मिलेगी। तो किसान भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आपने अभी 15 अगस्त के पहले अगर कोई बीमा लिया है तो वह खरीफ 2018 का है, वह खरीफ 2018 के अंतर्गत आपको बीमा राशि मिली है। वहीं अभी जो मिलने वाली है 6 सितंबर से, वह 2019 की राशि मिलने वाली है। तो आप बिल्कुल भी श्योर हो जाइए, बिल्कुल इसमें श्योर हो जाइए कि आप 2018 और 2019 के बीच के जो कंपैरिजन है उसको समझिए। 2019 की बात अलग होती है, 2018 की बात अलग होती है, क्योंकि फसल बीमा एक फसल पर होता है ना कि वर्ष पर। ये बात यहाँ पर हमें देखने को मिली है कि 2019 का बीमा जो है वो 2020 में इसलिए डर रहा है क्योंकि 2019 में गवर्नमेंट ने अंशदान पे नहीं किया था गवर्नमेंट सरकार को, तो उसके कारण जो है बीमा राशि में हमें कहीं ना कहीं देरी मिल रही है। और वहीं दोस्तों, अब हम बात करते हैं लिस्ट की।
तो किसान भाइयों, अभी जिलों के आधार पर लिस्ट जो है बन चुकी है, वहीं तहसील के आधार पर भी राशि का आवंटन हो चुका है और बहुत जल्द गांव स्तर पर भी लिस्ट अपने पास पहुंचने वाली है और शायद तक कहीं कहीं पहुंचने लगी है। तो मेरा काम इस पर अभी चल रहा है, तो मैं स्पेशली आपको एक वीडियो बना के दूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको लिस्ट कहाँ से मिलेगी, आपका लिस्ट में नाम कहाँ से आप देख सकते हैं, और आपके गांव में यदि जिन जिन किसानों ने बीमा करवाया है तो उन समस्त किसानों का उसमें नाम रहेगा, उसके सामने बीमा राशि लिखी रहेगी। तो ये जानकारी मैं आपको अगले वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा दोस्तों। आज के इस वीडियो में बस इतना सा ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट कीजिए और अपने किसान भाई विजय धाकर को इजाज़त दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।